नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का हमारे अतीत किताब का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है आकेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन था। यानी मनुष्य जब आकेट यानी शिकार करना और भोजन संग्रह करना शुरू किया, उससे लेकर भोजन का उत्पादन करने तक का जो काल है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, भारतीय उपमहाद्वीप में बीस लाख वर्ष पहले रहने वाले लोगों को आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता था। यानी 20 साल पहले यहाँ पर जो लोग रहते उनको आखेटक, आखेटक यानी शिकारी, शिकार करने वाले, और खाद्य संग्राहक यानी खाद्य का संग्रहण करने वाले के नाम से जाना जाता। यानी ये लोग अपना भोजन या तो शिकार से करते, या भोजन जंगलों के फल फूल या जड़ों को इकट्ठा करके और लंबे समय तक रखते हैं। आखेटक खाद्य संग्रह, ये जो नाम पड़ा है, ये इनके भोजन संग्रहण करने की जो विधि थी उसके आधार पर पड़ा है। तो ये लोग क्या करते, जंगलों में ऐसी जगह पर रहते जहाँ इनको आसानी से भोजन प्राप्त हो जाए, लेकिन कई बार उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी पड़ता। इनका जो स्थान बदलने के क्या क्या कारण थे, स्थान बदलने के कारण, यानी आखेटक खाद्य संग्राहक लोग थे वो, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता, उसका क्या कारण था। सबसे पहला कारण था, जिस स्थान पर रहते ये जिस स्थान पर ये लोग रहते उसके आसपास के पौधे फल व जानवरों का शिकार कर लेते, जिसकी वजह से इनकी कमी आ जाती और इनकी तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता। उस समय लोगों का जो भोजन था, पौधे पौधों से प्राप्त जो भी खाद्यान्न था, फल है, जानवरों का शिकार करना थी। तो कई बार क्या होता, जिस स्थान पर रहते उसके आसपास के पेड़ पौधों से प्राप्त जितना भी खाद्यान्न था या शिकार करने के लिए जो जानवर थे, सबको ये लगभग नष्ट कर देते, और दोबारा उनको जब जरूरत पड़ती तो उसकी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता। दूसरा कारण है, कई बार शिकारी जानवर या जो घास चरने वाले जानवर है वो अपने खाद्यान्न के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। शिकारी जानवर या घास खाने वाले जानवर अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तब इन लोगों को भी उनके पीछे शिकार करने के लिए जाना पड़ता। कई बार क्या होता, जो शाकाहारी जानवर थे उनको शिकारी जानवर शिकार करने के लिए उनके पीछे जाते और वो भागते हुए एक जगह से दूसरी जगह चले जाते।
या कई बार ये जो घास खाने वाले जानवर है, हिरण, भेड़, बकरी, गाय आदि, ये जानवर क्या करते हैं, जिस जगह पर घास कम होती तो दूसरी जगह पर घास ढूंढने के लिए चले जाते हैं। तो इन जानवरों के स्थान बदलने के कारण ये जो आखेटक या खाद्य संग्राहक लोग थे उनको भी शिकार करने के लिए इन जानवरों के पीछे पीछे जाना पड़ता है, इसकी वजह से इनका स्थान बदल जाता है। तीसरा कारण है इसका, पेड़ पौधे मौसम के अनुसार फल देते हैं। तो जिस मौसम में जहाँ फल आदि मिलते वहाँ पर इन लोगों को जाना पड़ता। भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जाता है कि यहाँ पर ऋतु में पाई जाती है, तो यहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वो एक ऋतु में फल देते हैं तो दूसरी ऋतु में फल नहीं देते हैं, और अलग अलग ऋतु में फल देते हैं पौधे। तो कई बार पेड़ पौधे जिस मौसम में फल देते हैं वहाँ पर फल खाते और अगले मौसम चेंज होता तो दूसरी जगह फल फ्रूट के लिए वो स्थान बदलते, इसलिए इनको भी अपना स्थान बदलना पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्यादातर ऐसी जगह है जहाँ पर बारिश के मौसम में ही झरने नदियाँ बहती हैं, इसलिए अगर मौसमी जो झरने और नदियाँ हैं, बारिश के मौसम वाले झरने और नदियाँ, उसके आसपास रहने वाले लोग जब वो नदियाँ या झरने सूख जाते तो पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि प्राचीन मानव है उसकी जानकारी हमें पुरातत्वविदों के माध्यम से मिलती है, वो नई नई खोजें करते हैं और उन खोजों के आधार पर अनुमान लगाते हैं कि वहाँ उस समय लोग कैसे रहते, उनका क्या खान पान था, क्या रहन सहन था, इसके बारे में पुरातत्वविद जानकारी प्राप्त करते। अब हम देखते हैं इन आरंभिक मानव की जानकारी कैसे प्राप्त। अब हम देखते हैं आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिलती है। शुरुआत में पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी चीजें मिली है जिनका निर्माण आखेटक या खाद्य संग्रहण के लिए किया जाता था। लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों व हड्डियों के औजार बनाए, और ये जितने भी औजार थे इनमें से पत्थरों के जो भी औजार हैं वो आज तक भी हमारे को अवशेष के रूप में मिले हैं। बात पुरातत्वविदों को जो औजार मिले हैं, ये औजार ज्यादातर फलों को काटने, लकड़ियां काटने या जानवरों को मांस को काटने, उनकी चमड़ी को काटने के लिए प्रयोग में लिए जाते। कुछ औजारों के साथ हड्डियों व लकड़ियों के मुट्ठे यानी डंडे भी प्राप्त हुए हैं जो उनको अपने काम में सहायता प्रदान करते थे। इनमें से कुछ औजारों से लकड़ियां भी काटी जाती थी, और इन लकड़ियों का उपयोग झोपड़ी बनाने में, जो लकड़ियां पत्थरों के औजारों से काटी जाती उनका प्रयोग लकड़ियों का प्रयोग झोपड़ियां बनाने व ईंधन के रूप में किया जाता है। जो भी पत्थर के औजार मिले उनसे सबसे पहले तो शिकार में या फल काटने या पेड़ों की जड़ें निकालने में काम में लेते। उसके अलावा जो जंगल की लकड़ियां हैं उनको काटने में भी उन औजारों का प्रयोग करते हैं, और उसमें लकड़ियों का प्रयोग फिर वो झोंपड़ियां बनाने या ईंधन में काम में लेते हैं। पुरातत्वविदों को जो पत्थरों के औजार प्राप्त हुए उनका आकार नुकीला था, यानी पत्थर है वो एक तरफ से ऐसे नुकीले डिजाइन में बने हुए होते हैं, ऐसे पत्थर बने हुए। ये जो नुकीला भाग है इसे लोग जड़े काटने या लकड़ियां काटने में प्रयोग में लेते थे। जैसा कि हम देखते हैं जितने भी पुरा स्थल मिले हैं वो ऐसे स्थानों पर मिले हैं जहाँ पर लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो। पुरा स्थल सबसे पहले हम देख लेते हैं बार बार यही शब्द आ रहा है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है। यह वह स्थान होता है जहाँ औजार, बर्तन व इमारतें जैसे अवशेष मिले
यानी पूरा स्थल उस स्थान को कहेंगे जहाँ पर खुदाई के समय औजार, बर्तन या पुरानी इमारतें मिली हो, तो उसको हम कहेंगे पूरा स्थल, पुराना स्थान। ज़्यादातर तो पूरा स्थल नदियों या झरनों के किनारों पर मिले हैं। ये जितने भी पूरा स्थल हैं ये तो ज़्यादातर नदियों या झरनों के किनारे मिले हैं। जैसा कि हमने इस पाठ के शुरुआत में देखा था, पत्थरों के औजार बनाते इसलिए इन्होंने ऐसे स्थानों की खोज की जहाँ पर उत्तम किस्म का पत्थर मिलता हो ताकि अच्छे औजार बनाए जा सकें। भीम बेट का एक स्थान है जो वर्तमान मध्य प्रदेश में। इस स्थान पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं, यानी पहाड़ी इलाकों में गुफाएं बनाई गई है और कंदराएं मिली हैं जिनमें लोग रहते, और लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते क्योंकि ये धूप में, गर्मी में या सर्दी में अपना बचाव कर सकें। और ये जो गुफाएं और कंदराएं हैं ये नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र में मिली हैं। यानी भीम बेट का जो भी कंदराएं हैं वो नर्मदा नदी के घाटी प्रदेश में प्राप्त हुई हैं। और ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में दीवारों पर शैल चित्र मिले हैं, शैल चित्रकला। शैल यानी पत्थर, पत्थर की दीवारों पर चित्रकला के नमूने मिले हैं जिसमें इन चित्रों में जंगली जानवरों का सजीव चित्रण करने का प्रयास किया गया है। भीम बेटका के बाद एक और स्थान का नाम आता है जिसका नाम है कुरनूल गुफा। ये भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। इन गुफाओं में आग के अवशेष मिले हैं, यानी आग जलाने के अवशेष मिले हैं। इस उपमहाद्वीप में पहला ऐसा स्थान है जहां पर आग जलाने के अवशेष मिले हैं। और ये जो आग है, आग का उपयोग कई कामों में होता था, जैसे प्रकाश जलाना, प्रकाश करना, मांस को भूनना, जंगली जानवरों को भगाना। कुरनूल गुफा के लोग आग जलाना जानते थे क्योंकि इनमें आग जलाने के अवशेष मिले। और ये आग जलाने का काम है वो प्रकाश करने के लिए, मांस को भूनने के लिए, या जंगली या खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए ये प्रयोग में लेते थे। इन गुफाओं के बाद अगला बिंदु आता है पाषाण काल। के नाम वे तिथियां, पाषाण काल का सबसे पहला नाम आता है आरंभिक काल है। पाषाण काल का आरंभिक काल को पुरातत्व विदों ने पूरा पाषाण काल कहा। पूरा पाषाण, ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पूरा वे पाषाण। पूरा यानी प्राचीन, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा प्राचीन, और इसका हो जाएगा पत्थर। और ये जो नाम है ये उस समय के पुरातात्विक खोजों में प्राप्त पत्थरों के औजारों की वजह से नामकरण किया गया। यह नाम पुरातात्विक खोजों में पत्थरों के बने औजारों के महत्व को दर्शाता है। और इस काल का समय है 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक का समय। पूरा पाषाण काल का जो समय है 20 लाख वर्ष पहले से लगभग 12,000 वर्ष पहले
तक को माना गया है। और इस पुरापाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से? आरंभिक, मध्य वे उत्तर पुरापाषाण काल। यानी पुरापाषाण काल है उसको भी तीन भागों में बांटा गया। उसका कारण है यानी 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक, यानी ये बहुत लंबा समय था, इसलिए इस पुरापाषाण काल को तीन भागों में बांट कर इसका अध्ययन किया जाता है। अपना जो मानव इतिहास है, मानव इतिहास की लगभग 99% 99% घटना इसी काल में घटित हुई। और ये जो 99% कहानी है या घटनाएं हैं वो इस काल में घटित होने का सबसे पहला कारण रहा है, ये जो काल है ये बहुत लंबा काल है और इस काल में मनुष्य ने लगभग अपने आप को प्रकृति के साथ और आसपास के वातावरण में ढालना शुरू कर दिया था और अपनी सुरक्षा और जीवन संचालन के लिए बहुत सारे उपाय करने शुरू कर दिए थे। पुरापाषाण के बाद अगला आता है मध्यपाषाण काल। और मध्यपाषाण काल एक ऐसा काल जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं उसे मध्यपाषाण काल या मेसो लिथ कहा जाता है। यानी ऐसा काल जिसमें पर्यावरणीय बदलाव बहुत ही ज्यादा देखने को मिले और पर्यावरणीय बदलाव में प्रति का तापमान का बढ़ना एक विशेष बदलाव था, जिस काल को हम मध्यपाषाण या मेसोलिथ नाम से जानते हैं। और इस काल का जो समय है 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष तक, यानी मध्यपाषाण काल है उसका समय 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक का समय। और इस काल में पत्थरों के औजार थे उनका आकार छोटा हो गया। मुख्य अंतर क्या है? तापमान में बदलाव आ रहा है और पत्थरों के औजार हैं वो आकार में छोटे हो गए हैं। और ये औजारों का जो आकार है वो छोटा होने के कारण इसको लघुपाषाण काल भी कहा जाता है। और इस लघुपाषाण को अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोलिथ। लघुपाषाण का अंग्रेजी शब्द है माइक्रोलिथ। इसके साथ ये औजार बनाते उसके साथ ही पुरापाषाण काल के जितने भी औजार थे वो भी इस मध्यपाषाण काल या लघुपाषाण काल में उपयोग में लिए जाते थे। मध्यपाषाण काल के बाद अगले युग की शुरुआत 10,000 वर्ष पहले से होती है, जिसे नवपाषाण काल कहा जाता है। यानी मध्यपाषाण काल के खत्म होने के बाद लगभग 10,000 वर्ष पहले से जो युग प्रारंभ होता है उसको हम नवपाषाण काल कहते हैं। जैसा कि हमने देखा मध्यपाषाण काल में जलवायु में बदलाव आता है, बदलती जलवायु, ये जो परिवर्तन आया है लगभग 12,000 वर्ष पहले शुरू हुआ। और इसका सबसे बड़ा बदलाव था गर्मी का बढ़ना। बदलाव क्या हो रहा है? गर्मी का बढ़ना, यानी पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ना शुरू हो गया था। और जब ये तापमान बढ़ा तो पृथ्वी के कुछ हिस्सों में घास उगनी प्रारंभ हो गई। घास के मैदान बनने के कारण ऐसे जानवर जो घास खाकर जिंदा रहते हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी आ गई। इसमें महत्वपूर्ण थे हिरण, भेड़,
बकरियां, गाय आदि हैं। और ऐसे लोग जो इन जानवरों का शिकार करते हैं, वो इन जानवरों के पीछे पीछे इन घास के मैदानों में आ गए हैं। इन जानवरों के खान पान और प्रजनन आदि के बारे में जानकारी हासिल करना प्रारंभ कर दिया। और ये ऐसे जानवर थे जो ज्यादातर अहिंसक थे, इसलिए लोगों ने इनको पकड़ पकड़ कर अपनी जरूरतों के हिसाब से पालना भी शुरू कर दिया। इसके अलावा इस बदलती जलवायु में लोगों ने मछली को भी अपना भोजन बनाया, मछली को भी भोजन के रूप में काम में लेने लगे। इस पाठ का अगला बिंदु है खेती व पशुपालन की शुरुआत। खेती व पशुपालन की शुरुआत। जब जलवायु में बदलाव आया तो भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में गेहूं है, जौ है, धान है आदि, इनकी जो अनाजों की फसलें हैं वो प्राकृतिक रूप से उगने लगी। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए इकट्ठा करना शुरू किया। और जब इन्होंने थोड़ा सा इनको ध्यान से देखा तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर ली कि कब ये अनाज के पौधे उगते हैं, यानी जो अनाज है जैसे गेहूं है, जो है, चावल आदि कब उगते हैं, इसके साथ ही कब पक कर तैयार होते हैं। इसके अलावा उन्होंने देखा बड़े दाने के अनाज। जब लोगों ने इन अनाजों के बारे में इतनी जानकारी हासिल कर ली तो इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया और किसान बन गए। जब इन्होंने खेती प्रारंभ कर दी तो उनको एक जगह पर निवास करना पड़ा। इन्होंने के अपने आसपास जानवरों को चारा डालना शुरू कर दिया, यानी आसपास के क्षेत्र में जो अहिंसक जानवर थे उनको इन्होंने चारा डालना शुरू कर दिया। और जब ये जानवर चारा खाने के लिए मनुष्य के संपर्क में आए तो इनको धीरे धीरे पालतू बना लिया। लेकिन मनुष्य ने जिस जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया, सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। यानी मनुष्य ने जब किसी जानवर को जंगली जानवर से पालतू बनाया तो वह जंगली कुत्ते का पूर्वज था, यानी वर्तमान जो कुत्ते हैं उनका जंगली पूर्वज था, उसको मनुष्य ने सबसे पहले पालतू पशु बनाया। धीरे धीरे इन लोगों ने भेड़ है, बकरी है, गाय है वे सूअर आदि को भी पालना शुरू कर दिया, यानी कृषि के साथ साथ इन्होंने पशुपालन करना भी शुरू कर दिया। इस वीडियो में इतना ही, हम अगले वीडियो में इससे अगले भाग को पढ़ेंगे।